देखो बिल्कुल 103 साल अज हो गए ने, अज उन्होंने असं याद करना है, जलियाँ बाग खड़े हैं और जिथे विसाखी के त्यौहार दे लोग कई जगह मेले भी लगते हैं क्योंकि कणक पक जाती है वो एक जुड़िया हुआ त्यौहार है। पर यह मेले ही इतने लगा सी जो इतने 13 अप्रैल में इतने एक समागम हो रहा रॉयल अटैक के विरुद्ध और उदो नरसंहार होया इतने और उन्होंने अज असी याद कर इतने पहुंचे हैं और उन्होंने बदौलत ही असी अज इन चीज़ों पर साढ़े कुछ चीज़ा जोड़ियाँ हासिल असी अज आजादी के तौर पर लै रहे हैं, सह लै रहे हैं, आजाद फिजा के आजाद घूम रहे हैं। उन्होंने बदौलत है जिहड़ियां कुछ चीज़ा रही ने जिहड़ियां चीज़ा उन्होंने तक नहीं हो सकियां क्योंकि मैं हुणे गल करदा इन्हां नूं सुन रहा सी। इन्होंने सोनी साहब का इन्होंने धन्यवाद भी किया कि असी जिहड़े मसले तुहानूं दित्ते सी हो गए ने ते कुछ मसले साढ़े रह गए ने जिहड़े सेंटर नाल रिलेटड होणगे। मैं इन्हां नूं पिछली वारी भी मैं इन्हां नूं मिलिया सी और बाद दे विच इन्हां नाल राबता भी होया वा, वो जल्दी जिहड़े सेंटर दे ध्यान च लिया के उन्हां नूं असी इस गल लई मजबूर करांगे कि वो मसले जरूरी ने क्योंकि ये तो पहल दे दार दे होने चाहिए। पर वाला साहब 103 साल हो गए अज इस उन्होंने अज भी उस मुकाम लई तरसदे पे ने, वो परिवारों ने बाइकआउट भी किया समागम च नहीं आने की गल कही है उन्होंने। बिल्कुल कुछ आए नहीं, कुछ ने बाइकआउट किया है, असीं उन्होंने मिल के जी कोई मसला होगा। हाँ जी, अज परदादा श्री लाला वासुमल कपूर जी 13 अप्रैल 1919 दो गोलियां लगन नाल शहीद होए सन, जिमें कि अज 2022 दे विच भी असी 103 साल बाद भी अज शहीदा दा हक लई सानू लड़ाई लड़नी पै रही है। उहदे लई असी अज जिहड़ा समागम है राज्य दा जां केंद्र दा उहनू बिल्कुल बायकाट कीता है कि असी उन्नी देर तक उन्हां समागमां च शिरकत नहीं करांगे जिन्नी देर तक साडे बंदे हक बंदे साडे सुविधावां जां बंदियां साडे ताम्र पत्र पंजाब रतन भारत रतन नहीं मिल जाता उन्नी देर तक। बाइकआउट किन्ना वालों किया जा रहा है? बाइकआउट साड़ी जलियाला बाग फ्रीडम फाइटर फाउंडेशन जिस दे विच साडे 33 जलियाले बाग के शहीद परिवार ने जिन्हों वालों ये असी सारे परिवार इनू बाइकआउट कर रहे हैं जलियाले बाग शहीद परिवार। तो अज ये अरदास कराई गई इत्थे असी ये अरदास जिहड़ी करवाई है जां प्रार्थना की गई है कि अकाल पुरख तो उस परमात्मा तो कि जिथे भी साडे बजुर्ग ये कट्ठे सैकड़ियां की तादाद दे विच जिहड़ी शहादत पाई सी उहदे लई असी अरदास ते प्रार्थना कराई है कि जिथे भी ये बजुर्ग ने साडे उन्हां नूं सुख शांति परमात्मा उन्हां नूं अपने चरणां च अकाल पुरख उन्हां नूं अपने चरणां दे विच स्थान देवे तां जो उन्हां दी आत्मावां नूं शांति मिल सके। आज 103 वर्ष बाद जालियांवाला बाग के अंदर जो निर्दोष लोगों पर जनरल डायर के द्वारा जो हत्याकांड किया गया, 1500 से ज़्यादा लोग जहाँ पर मारे गए थे, सब निर्दोष थे, खाली एक आंदोलन के रूप में यहाँ इकट्ठा थे और एक हल्के से बारीक रास्ते से कहीं निकलने का रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर फोन कुएं के अंदर भी कूद दिए, दीवारें भी फाँदी, ऐसे अनेकों अनेक लोगों की हत्या की गई। ये अत्याचार अंग्रेज़ों का प्रदर्शित करता है। आज ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है, यहाँ के कार्यक्रम के द्वारा जनमानस को ये संदेश देने का कार्यक्रम किया गया है कि आज़ादी हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, आज़ादी के लिए हमारे अनेकों अनेक फ्रीडम फाइटरों ने कुर्बानी दी है, त्याग दिया है, देश को बचाने के लिए और भी लोग आग्रहित हो गए। सरकार भी उनको शहीदों का दर्जा नहीं किया गया, परिवार उनके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई विषय है तो श्वेत मलिक जी उसके विषय बारे बताएंगे और आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। जलियांवाला बाग शहीदों की पुण्य पावन स्थली जिते उन्हों पवित्र आत्मावान विश्राम कर रही ने उत्थे 13 अप्रैल 1919 जो भीषण हत्याकांड होया न्याय होया रॉयल अटैक के खिलाफ और सैफुद्दीन कुचलू जी और सत्यपाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ निर्दोष लोग बैठक कर रहे थे और ज़्यादातर लोग जो अपने बच्चों नाल परिवारों नाल विसाखी मना रहे थे उस समय शाम को जनरल डायर आया और उस हत्यारे डायर ने फायर 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 करके सैकड़ों लोग शहीद करते, खूनी कूआ भर गया, 120 जिहड़ियां डेड बॉडी सीगियां शहीद हो गए लोग उहदे चों प्राप्त हुई, कोई दीवार ते खड़ा शहीद हो गया, कोई बाग च बैठा शहीद हो गया, सैकड़ों लोग अपनी जान गवा बैठे, उन्होंने कोई दोष नहीं सी। सो अज असी उन्हां दी याद दे विच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत धन्यवादी हाँ कि वह चेयरमैन ने नैशनल मेमोरियल ट्रस्ट जिहड़ा जलियांवाले बाग दा मैनू उन्होंने ट्रस्टी बनाया, असी जलियांवाले बाग च कई पैट्रियाटिक इमोशन हो शहीदों के प्रति एक श्रद्धांजलि की भावना नियमित होए, असी इत्थे बहुत सुधार किया है जिदे विच कि एक लाइट एंड साउंड शो है जिदे शहीदी साके बारे पता लगता है, एक डिजिटल थिएटर बनाया है,
जिते थ्री डिमेंशनल पता लगता है जलियां वाले बाग बारे, इतने सुंदर लैंडस्केपिंग की है, लाइटिंग की है, दिकुआ बुलेट मार्क्स उन्होंने संरक्षण किया है कि आने वाले दशकों तक उन्होंने कोई असर नहीं होएगा। और उस तो बाद इतने आने वाले श्रद्धा एक समय भी वधाता, हूँ शाम को लेट बंद होंगे, आने वाले श्रद्धालु श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हाँ कि शहीद स्थल की सेवा जी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैं सौंपी। पर मलिक साहब हरे तक शहीदा दर्जा लिता गया फिर सब कुछ की मायने रखते हैं? ऐसा जी कि ये प्रोवोगेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने मैं भी बेनती की है, कुछ उन्होंने एक लिस्ट जारी की है पिछले समय के तो अगो भी असं उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि वो इस सूची को प्रतिबद्ध कर। तुम लगता नहीं 103 साल बाद भी दुखदाई है कि हरे तक किसी रोज शहीद शहीद तक कहने पर उन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दिता? नहीं मैं देखो क्योंकि ये प्रोवोगेटिव ट्रस्ट का नहीं है जी, मैं ट्रस्टी हाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई करने ने, सो मैं उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करा DC साहब न कि ये जल्दी ये लिस्ट जारी। अज बड़ा इतिहासक दिन है, आज के दिन 13 अप्रैल 1919 वाले दिन साढ़े नहत्थे शहरियों के इसे जलियांवाले बाग की इतिहास धरती के उन्होंने लोगों को गोली का निशाना बनाया, काफ़ी लोग जड़े ने उस वे शहीदियां दे गए। अज असी उन्होंने शहीदों की बदौलत क्योंकि 13 अप्रैल 1919 आजादी की मूवमेंट इसे धरती तो स्टार्ट हुई थी, 15 अगस्त 1947 सानू आजादी हासिल हुई। सो ये बहुत बड़ा योगदान जिहड़ा साढ़े इन शहीदों का, सो मैं समझना हमेशा हर साल ही कांग्रेस पार्टी वालों इतने आ के असी शहीदों को प्रवान प्रणाम करते हैं, सो साडा फर्ज भी बनता। सो सानू ये जी कीमती आजादी है उन्होंने संभाल के रखना जिहड़ा साडा सारे का फर्ज बनता है। सो हमेशा ही सानू पार्टीबाजी तो उपर उठ के भी देश की एकता से खंडता लई हमेशा सानू तैयार रहना चाहिए। अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म, 24 घंटे लाइव देखे हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।